जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, लोगों की इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है, जिसकी वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सर्दियों में हम सभी का खान पान भी बदल जाता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आज हम अम्मा की रसोई से बनाना सीखेंगे चने की दाल का पराठा, जिसका ठंडक में सेवन करने से आपकी सेहत भी बनी रहती है और ज़्यादा देर पानी में रहना नहीं पड़ता और बहुत जल्दी चने का पराठा बनकर तैयार हो जाता है। सबसे पहले चने की दाल को रात में अच्छी तरह से भीनकर भिगो देते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह उसको साफ पानी में धोकर रखते हैं। फिर उसको गर्म मसाले का तड़का देकर थोड़े से पानी में उबाला जाता है। जब चने की दाल अपना आकार बदलने लगती है, तब उसको कलछिल के द्वारा चेक करके गैस से उतार लेना चाहिए। चने की दाल दो उबाल आने से पक जाती है, फिर उसके बाद सिलवट या मिक्सर के माध्यम से इसको पीस लेना चाहिए। उसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक, हरा धनिया डाल देना चाहिए। फिर आटा गूंथ कर छोटी छोटी लोइयां बना ली जाती हैं। उसके बाद बेलन से लोइयों को बेल लें, उसके अंदर पिसी चने की दाल को थोड़ा भर लें। फिर उसके बाद गोल गोल बेलकर तवे पर कड़वा तेल से पका लें और हरी चटनी, अचार या चाय के साथ चने के पराठे का स्वाद लें।